चलो एक सवाल करते तुम करो, इतने आए थे बच्चे, एक आधा मिनट पेंडिंग है अभी। ठीक है चलो, मान लो 3 ब्लॉक हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। ऐसे कनेक्टेड रस्सी से बैठ, ठीक है। मान लो 5, 4 और 6। बेटा मैंने फोर्स लगाई, ऐसे मान लो 45 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने। मैं पूछ रहा हूँ एक्सलरेशन कितना है हर एक का। यहाँ T1 मान लो टेंशन, यहाँ T2 मान लो बेटा T1 की वैल्यू कितनी है और बेटा T2 की वैल्यू कितनी है, ये आपको निकालनी है बेटा। बेटा न्यूटन लॉ चल रहा है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बेटा, न्यूटन लॉ चल रहा है। आप 2 दिन रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना समझ में नहीं आएगा, फिर मैं कोशिश करूंगा बेटा समझ में आ जाए आपको। ठीक है तो सुनो, फोर्स ऑन सिस्टम कितना बेटा, जो बाहर से फोर्स लगाया वो कितना है, 45 बेटा मानते हो। तो पापा इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम। तो बेटा इससे क्या पता लगेगा अपने को, फोर्स कितना बेटा, बाहर से कितना फोर्स लगाया आपने 45, सिस्टम का मास कितना है 5 + 4 + 6 = 15 बेटा मानते हो। तो इससे ए कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब T1 कैसे निकालते हैं बेटा, किसको पकड़े बेटा, बोलो भाई, 6 को पकड़ लें एक बार। 6 को देखो बेटा, 6 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 6 पे फोर्स लग रहे हैं बेटा मेरे पास 145 लग रहा है इधर, और टेंशन लैग करती बेटा अवे फ्रॉम बॉडी ऐसे। तो T1 लिख दिया मैंने, अब जा किधर रहा है 6 बेटा, इधर जा रहा है, तो फोर्स बड़ा कौन सा होगा, 45 न्यूटन 45 माइनस टी। तो T1 तो इसमें नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम कितना है 6 और ए कितना है बेटा 3। तो इसे निकालो बेटा कितना आ गया, 45 - 18 इज इक्वल टू T1। तो T1 क्या कितनी है बेटा मेरे पास, 27 न्यूटन। अब अगर मैं 5 वाले को पकड़ लूं, 5 वाले पे एक ही फोर्स लग रही है बेटा T2 मानते हो, वो लग किधर रही है, इधर लग रही है अवे फ्रॉम बॉडी, जा कितने से रहा है 3 से बेटा। तो बेटा T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 m into a यानी 15। बात चमकी बेटा, चलो मैंने लास्ट टाइम ये कराया था आपको, मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया इसका। ठीक है, आपने वो शॉर्ट ट्रिक सीखनी थी ना शायद, ये एंगल वाले कराए सवाल मैंने, एंगल वाले 1 वाले 2 वाले नहीं कराए ना, अभी करवाया था क्या एंगल वाला, मैंने कुछ नहीं करवाया शायद एंगल वाला। चलो करते हैं, सुनो पहले शॉर्ट ट्रिक सिखा दो एक बार, फिर करते हैं एंगल वाला। ठीक है, पहले शॉर्ट ट्रिक सीख लो बेटा एक बार, सुनो। ऑब्जेक्टिव में करने में काम आएगी बेटा, ओरली कर दोगे बिना पेन उठाए आप कर दोगे। ठीक है, टेंशन निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं लिखना आपको, सिंपल। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, और ये मान लो मेरे पास कितना है 7 है, और मैंने फोर्स लगाया 28 न्यूटन। तो बेटा देखो, एक्सलरेशन तो आप निकालना जानते हो ओरली, कैसे निकालोगे एक्सलरेशन बेटा, फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम। बेटा मानते हो फोर्स कितनी है बेटा, 28 न्यूटन 28। मास कितना है, 14 14। ये तो ओरली निकल जाए बेटा मानते हो, यस सर, ए तो ओरली निकल जाएगा, बट टेंशन तुम्हें निकालना तकलीफ होती है, इक्वेशन लिखनी पड़ती है। अब एक शॉर्ट ट्रिक सुन लो, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है बेटा, मान लो यहाँ टेंशन निकाल, यहाँ टेंशन निकालनी है बेटा, मान लो अपने
तो देखो जिस भी पॉइंट टेंशन निकालनी है उसके पीछे कितना मास है वो देखो, जहां भी टेंशन निकालनी है उसके पीछे मास देखो कितना है, बताओ मास कितना है पीस के पीछे, सेवन सेवन है। वो मास देख लो, उस मास को इस ए से मल्टीप्लाई कर दो जो अपन निकाला है, वो टेंशन आ जाएगी। तो यहाँ कितनी टेंशन आएगी, 14। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे सर। अब मान लो यहाँ टेंशन निकालनी है तो इसके इस पॉइंट के पीछे मास कितना है, थ्री है, मास थ्री है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्सेलरेशन से, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। तो ये कर पाओगे, ओरली कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलो बेटा, एक और दूं करने के लिए, करोगे क्या, ओरली कर देना उसको, ठीक है। यहाँ T1 यहाँ T2, ए बताओ फटाफट ओरली, T1 बताओ ओरली, T2 बताओ ओरली, बिना पेन उठाए। ए तो तीन है, ए तो तीन है, शाबाश, वेरी गुड। T1 18, शाबाश। T2 3 न्यूटन, कितना T2 कितना, 3 आएगा, 3 न्यूटन, ठीक है। तो बेटा ये ओरली कर पाओ, कोई खास बात तो नहीं है, बोलो बेटा, 3 हो 4 हो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो। चलो मान लो मैं 4 देता हूँ, 1 2 3 4 दे दिया ऐसे, ठीक है, 4 मास दे दिए। अब रस्सी कितनी बेटा इसमें, तीन रस्सी और तीन टेंशन आएगी, जितनी रस्सियां उतनी टेंशन, यहाँ T1 यहाँ T2 यहाँ T3, ठीक है बेटा। ये हो गया, यहाँ मैंने लगाया 40 न्यूटन, क्या लगाया, 40 न्यूटन। बताओ ए की वैल्यू ओरली, T1 की वैल्यू ओरली, T2 की वैल्यू ओरली, T3 की वैल्यू ओरली और T4 की वैल्यू भी बिना सॉल्व किए बता दो फटाफट। ए तो 4 आ गया बेटा, मानते हो, कैसे आया, फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम, फोर्स तो 40 लग रहा है खाली, मास कितना टोटल 10, तो ए कितना आ गया 4। अब T1 था, T1 के पीछे मास कितना है, इसके पीछे मास कितना है, 6 है बेटा, 6 मास है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्सेलरेशन से, तो कितना आएगा। अब बेटा इसके पीछे मास कितना है, 3, ए कितना है 4, तो टी कितना आएगा, 12 और T3 कितना आएगा बताओ, 4 न्यूटन 4। तो आसान है बेटा, मानते हो जी, यस यस, ओरली कर देना बेटा इसको, ठीक है। चलो ये मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, अब थोड़ा वेरिएशन देखते हैं बेटा इसका, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक कब लगती है, जब एक ही फोर्स लग रही हो, मोर देन वन फोर्स लगेंगे तब ये शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, ध्यान रखना। ये शॉर्ट ट्रिक कब चलेगी, जब एक ही फोर्स लग रहा हो, एक से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब नहीं चलेगी, ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई, एक ही फोर्स लगे तब, चलो सुनो। अब थोड़ा वेरिएशन दे देता हूँ आपको करना है इसको, ठीक है, ऑल तो है कुछ नहीं है पल्ले पल्ले इसके, बट फिर भी दे देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आप।
48 का फोर्स लगाया 60 डिग्री पे. अब मैं पूछ रहा हूं बेटा ए की वैल्यू कितनी है, टेंशन की वैल्यू कितनी, फटाफट बता दो. एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गुड, शाबाश. यस सर. तो टेंशन कितनी आएगी ओरली, कर दो ओरली बताओ. सर 15 न्यूटन. बेटा ये 48 फोर्स है ना, देखो बेटा हम फोर्स कहाँ लेते हैं, हमेशा फोर्स जो देखते हैं वो लेते हैं अलोंग द मोशन. मुझे पता है ब्लॉक चलने वाले ऐसे हैं, याद रखना हम फोर्सेस कौन सी लेंगे, फोर्सेस वो ही लेंगे जो अलोंग द मोशन. बेटा ये 48 है, 48 का असर निकालना है मुझे इस तरफ, तो जिस तरफ एंगल थीटा होता है बेटा उस तरफ कंपोनेंट क्या आता है मेरे पास, कॉस वाला. तो 48 कॉस 60, कॉस 60 बोले तो हाफ, तो यानी 24. तो सवाल किस में बन गया बेटा मेरे पास, सवाल कन्वर्ट हो गया ऐसे कि 5 ऐसे था, 3 ऐसे था और 24 फोर्स ऐसे लग रही. अब तो तुम जानते हो बेटा ए कैसे निकाल लोगे, 24 तो मेरा नेट फोर्स हो गया डिवाइड बाय सिस्टम का मास कितना है 8, तो 3 आ गया बेटा मानते हो. और बेटा अगर मुझे यहाँ टेंशन निकालनी है बेटा तो इसके पीछे मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15 न्यूटन. बात चमकी या नहीं चमकी बोलो. सर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वाई कंपोनेंट की वजह से वो ब्लॉक ऊपर भी तो जाएंगे खुद. अगर वाई कंपोनेंट जो बेटा मेरे पास है सिस्टम के मास से ज्यादा है ना तभी मूव करेगा. जैसे मान लो ये 30 लग रहा है, देख मानता है एमजी लग गया 30 लग गया बेटा मानता है ना बोल. यस सर. अगर ये कंपोनेंट 30 या 30 से ज्यादा होता ना बेटा तब ऊपर जाता वो. ठीक है चमका. चल अब सुन, मैं तुम्हें सवाल दूंगा बढ़िया वाला, टेंशन ना ले, सब कुछ समझ में आएगा तेरे को. ये सवाल समझ में आया नहीं आया बोलो. आ गया सर. अब मैं दो तरफ फोर्स लगाता हूँ वो सिखाता हूँ, ठीक है जी. लेकिन उस दो तरफ फोर्स जो लगेंगे बेटा उसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, ध्यान रख. ठीक है, एक फोर्स में काम करेगी, चाहे किसी एंगल पे लगाओ शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, लेकिन दो दो फोर्स लग जाए तब काम नहीं करेगी शॉर्ट ट्रिक आपकी. तब आपको एफ बी डी बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. चलो सिखाता हूँ बोलो, करना मत आसान ही है मुश्किल नहीं. दो ब्लॉक लेते हैं पहले, ठीक है, फिर 3 ले लेंगे. मान लो ये 3 है और ये 5 है, ऐसे मान लो. इस पे फोर्स लगाई मैंने मान लो 74, कितनी लगाई 74 न्यूटन. इस पे फोर्स लगाई बेटा मान लो मैंने 50 न्यूटन ऐसे. अब वो आपसे पूछेगा बेटा कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है, टेंशन क्या है. इस सवाल को करना है आपका, देखते हैं सुनो. अब बेटा तो 50 और 74 एक ही डायरेक्शन में अपोजिट में? अपोजिट. अपोजिट है बेटा. तो अपोजिट मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा. तो बेटा क्या बन गया, एफ नेट कितना आएगा बताओ? जो बाहर से फोर्स लगा वो 74 लगा और 50 लगा बेटा मेरे पास. 74 लगा राइट की तरफ, 50 लगा लेफ्ट की तरफ, दोनों अपोजिट थे. तो नेट फोर्स क्या आएगा मेरे पास? 74 माइनस 24 आ गया. अब ये नेट फोर्स है. अब मेरा ये फोर्स ऑन सिस्टम मान लो, क्या मान लो? फोर्स ऑन सिस्टम ये बन गया. तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम. तो नेट फोर्स क्या लिखूं, 24 लिखा मैंने, सिस्टम का मास कितना है बोलो भाई, सिस्टम का मास कितना है 8, 5 और 3 8. तो बेटा इससे ए एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 3. यहां तक कोई तकलीफ बेटा? बोलो भाई. नो सर. ठीक है. अब बेटा ये जाएंगे दोनों ब्लॉक जाएंगे साथ में, रस्सी बंधी हुई है, तो दोनों किधर जा रहे होंगे, लेफ्ट या राइट? राइट.
राइट तो ये भी तीन से जा रहा बेटा और ये भी तीन से जा रहा है। जब भी रस्सी बंधी हुई बेटा मेरे पास, इसका मतलब दोनों का एक्सप्रेशन सेम आएगा, ठीक है। कल बताया था मैंने आप लोगों को, तो सुनो बेटा, अब मान लो मुझे टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए मुझे एफबीडी निकालना पड़ेगा। तो एफबीडी के लिए कौन सा चूज करूं, तीन वाला चूज करूं या पांच वाला चूज करूं, बताओ जो मन पड़े था। किसको लूं, तीन वाले को पांच वाले को, दोनों से आंसर आएगा, बताओ भाई। सर फाइव वाला। चलो फाइव वाला, फाइव वाले पे कितने फोर्स लग रहे बताओ। दो, एक तो 74 लग रहा है, एक टेंशन लग रही है पीछे की तरफ। जा किधर रहा है फाइव वाला, राइट जा रहा है। तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा, टी बड़ा है या 74 बड़ा है। 74 तो बड़े में से छोटा घटा दे, ये तो क्या आ गया एफ नेट आ गया, क्या आ गया एफ नेट। एफ नेट को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, एम इंटू ए लिखते हैं बेटा, मानते हो। तो एम कितना है इसका बेटा, पांच। जा कितने से रहा है, तीन से रहा बेटा। तो इसे टी निकाल पाओगे, निकाल पाओगे बताओ। 74 माइनस टी था तो माइनस 15 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 59। अब एक काम करो, तीन वाले को उठाओ, तीन वाले का एफबीटी बनाओ और टेंशन निकालो बेटा, सेम आएगी। बताओ टी वाले पे कितना, कितने फोर्स लग रहे हैं टी वाले पे, मतलब तीन वाले पे। एक तो 50 लग रहा है बेटा, मानते हो। आना बोलो। यस सर। और एक टेंशन लग रहा है अवे फ्रॉम बॉडी ऐसे, ये जा किधर रहा है, राइट साइड। तो कौन बड़ा है, 50 बड़ा है टी बड़ा है, टी। तो क्या लिखेंगे, टी माइनस 50, ये तो एफ नेट हो गया, इक्वल टू 9 इज इक्वल टू एम इनटू ए लिखते। मास कितना है इस ब्लॉक का, 3। ए कितना है, 3। तो टी की वैल्यू फिर से क्या आ गई, बात चमकी बेटा या नहीं चमकी। यस सर। यस सर। अब एक सवाल दूं, करोगे ईमानदारी से कर लोगे। यस सर। यस सर। चल, मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है, इजी है सर, इजी है। चलो कुछ तो आसान लगा, चलो मान लो 2 किलो 4 किलो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, टेंशन कितनी आएगी। सर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, शाबाश। और सर टेंशन 12। टेंशन 12 आ रही है, देखते हैं बेटा, मैंने सॉल्व नहीं किया, करता हूँ अर्ली। चलो तो पहला काम तो करना क्या बेटा, एफ नेट निकालना है। एक तो फोर्स लग रही है 48 राइट की तरफ, एक लग रही है 24। सर टेंशन 32 न्यूटन। अच्छा वो 12 बोल रहा है, चलो एफ नेट, एफ नेट कितना है बेटा, मेरे को 24 आ गया बेटा, मानते हो। 48 माइनस 24, ठीक है जी। अब क्या करें, फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू क्या लिखें बेटा, मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम। फोर्स तो कितना का 24, सिस्टम का मास कितना है बेटा 6। तो ए की वैल्यू 4 तो तुम्हारी सही है। अब किसी एक ब्लॉक पकड़ लें, किसको पकड़े बताओ, चार वाले पकड़ लें, चार वाले yes, को पकड़ लें तो बेटा 48 ऐसे लग रहा है, टेंशन पीछे लगेगी इसमें। और जा किधर रहा है, किधर जा रहा है, चार,
तो बड़ा फोर्स कौन सा बेटा, 48 या टी? 48 48 और टी अपोज कर रहे हैं तो 48 माइनस टी तो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना 4, एक्सेलरेशन 4, तो 16 बन गया, 16 इधर जाएगा तो 32 बन जाएगा बेटा, तो 32 सही है, मैथ का सही था भाई। बाकी तुम्हारा क्या गलती है तुम लोगों ने भाई, बोलो भाई क्या गलती की तुम लोगों ने, बताओ पता लगेगा। सर मैंने ही 32 बोला था। 32 बोला था ठीक है। नहीं किसी एक का कुणाल का है, 12 था ना कितना था? यस सर वो 4 × 16 कर दिया था पहले। ओहो चल कोई बात, एक और दूंगा अगर, या नेक्स्ट राइट है तो बोलो। तीन ब्लॉक का राइट है, नेक्स्ट ब्लॉक राइट है, तीन दे देता हूँ, दो या तीन ठीक है। चल कंसेप्ट वही रहेगा बेटा ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब एफबीडी बनाना है खाली, कुछ नहीं। जिसको एफबीडी बनाना आता है ना कि ब्लॉक जा किधर रहा है, कौन सी फोर्स बड़ी है, बड़े में छोटा घटाना है, बस वही काम करना है। तो मान लो 1 3 ऐसे, अस्सी 40, यहाँ पे T1 मान लो, यहाँ पे T2 मान लो बेटा। फाइंड ए, फाइंड एक्सेलरेशन 5, फाइंड T2। तुम कर पाओगे ये? मैं कराऊंगा, तीन वाला पहले एक बताओ, ट्राई कर रहा कर लेंगे सर। चलो करो एक बार, नहीं कर पाओ तो मैं कराई दूंगा, वैसे कराना ही मैंने तो। जिन लोगों को एफ बीडी बनाना नहीं आता उसको सिखा देता हूँ कोई बात ठीक है, बच्चे शायद नहीं देख पा लेक्चर में। T245 न्यूटन सर, T160 न्यूटन, T245 न्यूटन। यस सर। चलो देखते हैं, नोट है, देखो पहले सुनाओ। एक तो 80 लग रहा है मेरे पास ठीक है बेटा, एक लग रहा है 40, तो एफ नेट कितना आ गया बेटा? 40 न्यूटन। एफ नेट 40 आ गया, तो अपन लगा दे फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम बेटा। फोर्स ऑन सिस्टम 40 है, मास कितना है बेटा? 8, तो ए ऑफ सिस्टम कितना आ गया बेटा मेरे पास? 5। ये तुम्हारा सही था ठीक है, शाबाश। अब 4 पे पकड़ ले, 4 पे क्या क्या लग रहा है? 80 एंड T1। 80 आगे लग रहा है और T1 पीछे लग रहा है, 4 जाएगा किधर? 80 वाली साइड, 80 वाली साइड जाएगा 5 से ठीक है जी। तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, 80 या T1? 80। तो 80 माइनस T1 इज इक्वल टू m इनटू a, m कितना है 4, a कितना है 5, तो T1 तो बेटा 60 आ गया, सही है आप लोगों का, बिल्कुल शाबाश। अब इसको पकड़ लें, 1 को पकड़ लें, 1 पे कितना फोर्स है? 40 लग रहा है, एक लग रहा बेटा T2, किधर जा रहा बेटा ये? T2 वाली साइड, तो ये 5 से जा रहा बेटा ऐसे, तो T2 बड़ा है, T2 माइनस 40 इज इक्वल टू m इनटू a, m कितना है 1, a कितना है 5, तो T2 कितना आ गया बेटा? 45। बात चमकी या नहीं चमकी? सबका सही था क्या? बोलो यस सर, सबको आया भाई? ईमानदारी से बोलो भाई, कितने बच्चे बैठे हैं भाई? जिसको तकलीफ हो बेटा बता देना मेरे को ठीक है, शर्माना मत, अपने को मिल के एफर्ट करना है तभी मार्क्स आएंगे। मैं चाहता हूँ तुम सब लोग अपना फिर जो तुम्हारा ड्रीम है फुलफिल करें,
किसी को कोई भी तकलीफ है प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है, कभी भी कुछ समझ में ना आए तो उससे एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन समझो उसको, ठीक है, मेहनत करो बेटा। चलो ये हो गया, दो वाले हो गए, चलो इतना सफिशिएंट है इसमें बेटा, कर लोगे अब तो, इसमें कोई तकलीफ बेटा? बोलो बोलो भाई, इस कंसेप्ट में कोई तकलीफ क्या, बताओ? नो सर। चलो अब नेक्स्ट प्रोफाइल पे आ जाऊं मैं? यस सर। देखो बेटा सुनो, मैंने चर्चा की थी नॉर्मल रिएक्शन, याद है? नॉर्मल रिएक्शन था वहां पर। यस सर। यस सर। जब भी दो सरफेस आपस में संपर्क में आते हैं ना, जब भी दो सरफेस आपस संपर्क में आएंगे, जितने फोर्स से एक बंदा उसको दबा रहा होगा ना, उससे ही उल्टी डायरेक्शन में क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे मान लो ये सरफेस है, मान लो इस सरफेस में, मान लो मैंने एक ब्लॉक रख दिया, तो ब्लू वाला सरफेस बेटा किसका है? ब्लॉक का है। ये वाला सरफेस और जो नीचे वाला सरफेस है बेटा, जब ये कॉन्टेक्ट में आएंगे ऐसे, तो ये कॉन्टेक्ट में आ गया रख दूंगा इस पर, तो बेटा ये ब्लू वाला इस पर कितना लगाएगा, अपना वजन लगाएगा बेटा, मानते हो एम जी फोर्स लगाएगा इस पर, खाना बोलो। Yes. तो जब ब्लू वाला इस पे लगा रहा है mg, तो जो फ्लोर है वो उसे एक रिएक्शन देगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों बोलते हैं बेटा? वो सरफेस के 90 पे होता है, एट 90 सरफेस के 90 पे, ठीक है? तो ये बात समझ में आ रही बेटा, खाना बोलो। Yes, बोलो बेटा। अब एक और सुनो, जैसे मान लो यही केस नहीं बेटा, मान लो ऐसे ब्लॉक रखे मैंने, एक ब्लॉक ऐसे रख दिया और एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, दो ब्लॉक रख दिया, तो बेटा अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ लग रहा होगा, जहां जहां सरफेस संपर्क में। देखो एक तो नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा बेटा, मानते हो, खाना बोलो। और संपर्क में कहाँ आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं बेटा, मानते हो, दो सरफेस, तो ये इस पे ऐसे लगा रहा होगा और ये इस पे ऐसे, बात समझ में आ रही है? अरे यार मान लो दो ब्लॉक रख दिया, धक्का मार रहा हूँ उनको ऐसे, धक्का मार रहा हूँ तो दबाएगा बेटा, मानते हो, आना बोलो। Yes. तो नॉर्मल रिएक्शन जब भी सरफेस कॉन्टेक्ट में आएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, ये दीवार है, यहाँ पे एक रॉड रख दिया ऐसे, तो नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा, जहां संपर्क में आएगा तो यहाँ लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा तो सरफेस के 90 पे ऐसे बेटा, मानते हो, और संपर्क में कहाँ है बेटा, यहाँ पे आया, तो सरफेस के 90 पे ऐसे, बात समझ में आ रही है? जहां जहां बॉडी संपर्क में आएंगी वहां वहां क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सुखमन बेटा आया? Yes, sir. अब बेटा तुम्हें नेक्स्ट प्रोफाइल जो पूछती है, जेई या नीट पूछती है बेटा, वो प्रोफाइल तुम्हें करा देता हूँ मैं, सुनो। वो नॉर्मल रिएक्शन निकलवाता है ब्लॉक्स के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ब्लॉक्स के बीच में, वो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक करा दूंगा सुनो। जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉक रखा था ऐसे, ये 5 किलो का है, इसके सामने साथ में रख दिया 3 किलो का, और मैंने धक्का मारा बेटा, मान लो मैं धक्का मार रहा हूँ किसको, 5 वाले, तो अगर मान लो 3 किलो वाला नहीं होता तो 5 वाला चलता बेटा, मानते हो, खाना बोलो, खाना बोलो। भाई मैं धक्का मार रहा हूँ, मैंने मान लो फोर्स लगाई 40 न्यूटन की फोर्स लगाई मान लो मैं, तो 40 मैंने लगाई 5 पे, तो 5 चलने की कोशिश करेगा बेटा, तो 5 क्या करेगा, 3 को धक्का मारेगा बेटा ऐसे, मानते हो, खाना बोलो। तो 3 उसका रिएक्शन देगा भाई, एवरी देखो फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, एक अकेली फोर्स कभी नहीं होगी, तो अगर 5 ने धक्का मारा 3 को ऐसे, तो 3 उसका रिएक्शन देगा बेटा 5 को ऐसे, क्या ये बात फील कर पा रहे हो? यस यस। एवरी फोर्स का एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो 5 ने धक्का मारा 3 को आगे, तो 3 धक्का मारेगा 5 को पीछे, इस चीज को समझ पा रहे हो? यस सर।
तो इस चीज को निकलवाएगा, वो तुमसे पूछेगा कि पांच ने तीन को कितनी फोर्स लगाई, ऐसे सवाल पूछेगा। ऐसे तुम्हें बोलेगा नहीं पांच ने कितनी, वो पूछेगा कि नॉर्मल बिटवीन, जो शब्द लिखा आएगा वो क्या लिखाएगा, नॉर्मल बिटवीन 5 kg एंड 3 kg बोलेगा वो। तो उसका हिंदी मतलब क्या है, ऊपर वाला जो मैंने लिखा है कि पांच ने तीन को कितनी फोर्स लगाई और तीन ने पांच को कितनी फोर्स लगाई, दोनों इक्वल अपोजिट है बेटा, मानते हो? हां ना बोलो। यस सर। तो बेटा अब सुनो, करना क्या है, बहुत आसान तरीका है। अब बेटा बात सुनो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पांच तीन को, मतलब अगर धक्का मार रहा हूँ यहाँ से तो पांच और तीन सात चलेंगे, मानते हो? अगर चलेंगे सात चलेंगे, भाई पांच तोड़ निकल जाएगा, तीन को पांच वाला तोड़ के निकल जाएगा, दोनों सात चलेंगे बेटा, मानते हो? यस सर। तो जो एक्सलरेशन इसका आएगा बेटा वो इसका आएगा। तो बेटा सुनो, अगर मैं सिस्टम मान लू तो बेटा इस फोर्स ने इस फोर्स को मार देना बेटा, मानते हो? दोनों इक्वल अपोजिट है बेटा, एक एफ है मान लो तो दूसरा एफ ऐसे लग रहा है, दोनों कैंसिल हो जाए बेटा, मानते हो? सिस्टम मान लो मैं पांच और तीन को, तो बाहर से फोर्स कौन सा लगा, 40 न्यूटन। सिस्टम का मास कितना है, 8। तो ए निकाल लोगे 5 meter per second। अब बेटा सिंपल देखो, वहां आप क्या करते थे, वहां की शॉर्ट ट्रिक क्या थी अपने पास, कि जितना मास उसके पीछे था, ठीक है ना, वो करते हैं बेटा, मानते हो? हाँ ना बोलो। यस सर। इसमें क्या करेंगे, कितना मास उस पॉइंट के आगे है, मान लो यहाँ आपने को नॉर्मल निकालनी है, तो पांच के आगे कितना मास है, तीन आगे है, एक्सलरेशन कितनी है, 5। तो पांच ने जो धक्का लगाया तीन को कितना लगाया, 15 न्यूटन का धक्का लगाया। इसमें करना क्या, देखो पहले ए निकाल लेना, ए कैसे निकालोगे, फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम, इससे ए निकाल लोगे। फिर देखो जहां पे नॉर्मल निकालना है उससे आगे कितना मास है, उसको क्या कर दोगे, इनटू क्या कर दोगे, ए ऑफ सिस्टम, तो वो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। बात चमकी या नहीं चमकी? यस सर। अगला सवाल करते हैं, तुम्हें फील आएगी, रुको। बीस न्यूटन की फोर्स लगाई, मैं पूछ रहा हूं कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन थ्री के जी एंड 2 kg, तो बताओ बेटा कैसे निकालोगे, अभी सिखाया मार को। 8 न्यूटन। वेरी गुड। पहले निकालोगे फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम, फोर्स कितनी है खाली 20, मास कितना है बेटा 5, तो ए निकल जाएगा बेटा, ए की वैल्यू क्या आएगी 4। अब ये करना क्या होता है, जहां निकालनी है यहाँ निकालनी है, इससे आगे कितना मास है, इनटू क्या करना है, ए और सिस्टम करते हैं 4, तो वैल्यू क्या आ गई, 8। बात चमकी या नहीं चमकी? yes. ये साक्षात सवाल तुम्हें मिलेंगे पुराने जेई और नीट क्वेश्चन में, ठीक है? मुश्किल है या आसान है ये? इजी है सर। चलो मान लो मैंने दिया 5, एक दिया 3, एक दिया 2, ऐसे। अब तीन वाला सवाल देगा बेटा, ठीक है, और मैंने फोर्स लगाई 40 न्यूटन। अब आपसे पूछेगा बेटा, सुनो क्या पूछ रहा है वो, एक तो ए पूछ लेगा आपसे, एक 5 और 3 के बीच में फोर्स पूछ लेगा, एक पूछ लेगा 3 ने कितना धक्का लगाया 2 पे। अब होगा क्या, देखो मैंने फोर्स लगाई किस पे, 5 पे, 5 धक्का मारेगा 3 को, 3 धक्का मारेगा 2 को, ठीक है जी। तो पूछता क्या बेटा आपसे, एक ए पूछता है, दूसरा पूछता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5 एंड 3, तीसरा पूछता है नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 एंड 2। क्या ये कर पाओगे बेटा या मैं कराऊं, बोलो सर? 5 एंड 3 के बीच में 20 न्यूटन और 3 एंड 2 के बीच में 8 न्यूटन।
ठीक है बेटा, यस सर, गुड, शाबाश, ब्रिलियंट बेटा, थैंक यू सर। चलो बेटा सुनो, करना क्या, पहले ए निकालो, ए कितना आएगा बताओ, फोर्स सिस्टम कितना है, 40 है, मास सिस्टम कितना है, 5 और 3 8 और 2 10, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4 आ गई। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को, बोलो भाई। अब देखो मुझे 5 और 3 में फोर्स निकालनी है, तो 5 से आगे कितना वजन है, 3 और 2 यानी 5 है, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 4, तो 5 और 3 में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी कितना लगेगी, 20 न्यूटन लगेगी। अब मान लो मुझे बोला गया बेटा कि आपको निकालनी है भाई 3 और 2 में निकालनी है, तो 3 और 2 से आगे कितना मास है, 2 है, एक्सेलरेशन कितना है, 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। क्या ऐसे सवाल कर पाओगे या और तुम बोलो, चलो एक और कर दो, तसल्ली हो जाएगी, एक और कर दो, ठीक है। ए निकाल लो 10 और 5 के बीच में, 5 और 3 के बीच में नॉर्मल निकाल दो, एक्सेलरेशन 3, ठीक है बेटा, शाबाश, और 10 और 5 के बीच में 24, शाबाश बेटा, 5 और 3 के बीच में 12, नाइन, बारह क्यों बोले भाई, एक्सीडेंट 3 था भाई, 3 × 3 तो 9 आएगा, 9 बोल दिया अभी, चलो गुड बेटा, शाबाश। तो बेटा फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम, तो फोर्स सिस्टम कितना बेटा मेरे पास, 54, मास कितना बेटा मेरे पास, 18, ए की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो यहाँ निकालनी है, तो इससे आगे मास कितना है, 8, तो 8 तो मास हो गया, और ए कितना है, 3, तो वैल्यू क्या आ गई, 24। अब मान लो अपने को यहाँ निकालनी है, तो इससे आगे मास कितना है, 3, और एक्सेलरेशन भी 3, तो बेटा 9 न्यूटन। आई होप अब ये सवाल आप कर पाओगे, yes, चल नेक्स्ट क्वालिटी दे दो बेटा, yes, सबको आया भाई, ईमानदारी से बोलो, कोई ऐसा व्यक्ति से ना आया बता दो प्लीज, रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बोलते ही नहीं है, चक्कर क्या है भाई, आ गया सर, चलो ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वैरायटी पता क्या है, देखो दोनों तरफ से फोर्स लगा देंगे, जब दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे ना बेटा, तब आपके फंडे जो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई वो फेल हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये 5 है और ये 3 है, मैंने फोर्स लगाया बेटा, मान लो इधर लगाया मैंने 64, इधर लगाया मैंने 40, ऐसे लगाया बेटा, अब पूछेंगे 5 और 3 में कितना नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे पूछेंगे बेटा, ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर किससे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से करेंगे, किससे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो सुनो, एक तो 64 लग रहा है मेरे पास इधर, एक लग रहा है 40, कौन जीतेगा, 64 वाला, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 24, तो एफ फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए ऑफ सिस्टम, फोर्स सिस्टम कितना 24, मास कितना सिस्टम का, 8, तो इससे क्या निकल जाएगा, ए ऑफ सिस्टम निकल जाएगा, 3, बात चमकी, अब ये 3 से जा किधर रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं, राइट राइट राइट। अब बेटा सुनो, अपने करना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इनके बीच में, तो एक काम करो सुनो, 5 वाला धक्का किधर मारेगा 3 को, इधर बेटा मानते हो, आना बोलो, ये 5 ने लगाया 3 पे ऐसे,
तीन ने लगाया पांच पे ऐसे मानते हो yes, तो अगर मैं पांच को पकड़ लू पांच को देखू तो कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा इसमें एक तो 64 लग रहा है बेटा मानते हो और क्या लग रहा है एन लेफ्ट साइड धक्का धक्का लगाया तीन ने बेटा मानते हो जा किधर रहा है बेटा ये राइट में तो कौन बड़ा है 64 बड़ा है एन बड़ा है 64 दोनों अपोज कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं 64 वाले अपोज कर रहे ना 64 राइट जा रहा है और एन लेफ्ट जा रहा है तो 64 यस सर 64 माइनस एन बेटा क्या आ गया एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन मास कितना है 5 एक्सेलरेशन कितना है 3 तो कितना आ गया बेटा एन की वैल्यू 64 माइनस 15 14 बात चमकी या नहीं चमकी यस सर तो ऐसे सवाल कर पाओगे बोलो भाई ईमानदारी से बोलो यस सर चलो अब आप कंटिन्यू करते हैं बेटा कल करते हैं बहुत टाइम हो गया ठीक है तो कल आप और सवाल करते हैं इतना रिवाइज कर देना प्लीज बेटा ठीक है जो मैंने कराया कल आते 10 मिनट टेस्ट लूंगा देख लो ठीक है और पढ़ के आना अच्छे से ठीक है और जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे बेटा यूट्यूब पे लेक्चर है उनको आप देख लें पढ़ के आए कल ठीक है कोई डाउट हो पूछ लेना मेरे से ठीक है ठीक है बेटा आज इतना ही करते हैं मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए नमस्कार।